हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड रंग का बटन है ये, इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाओगे जब आपने पहली एक्सरसाइज यानी कि 13.1 से 13.5 तक बहुत अच्छे से कर लिए। तो विविध प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपने अगर अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं की है तो वो कर लें। वीडियो के अंत में हम उनका लिंक दे देंगे। यहाँ पर वैसे हम सारे क्वेश्चन का बिल्कुल फुल मेथड के साथ कराएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो ये ज़रूरी है कि जो पहली एक्सरसाइज हमने कराई है 13.1 से 13.5 तक, वो करने के बाद अगर आप इसको करते हैं तो इसके 50% क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लेंगे। लेकिन जो शेष 50 क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले बहुत अच्छे से वो कर रखी है। तो यहाँ हम सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी मेथड से कराएंगे और साथ में पहले हम थोड़े जो पहले फॉर्मूले हमने आपको समझाए एक बार फिर उनको स्मरण कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला था घटना ए की सह प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना बी दी गई है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमने जैसा कि बताया था, जब कोई घटना घटने वाली हो और उससे पहले ही कोई दूसरी घटना घट जाए तो उसे हम प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। यानी घटना ए की प्रायिकता निकालनी जबकि बी घट चुकी है। तो घटना ए की सह प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना बी दी हुई है, दी गई का मतलब घट चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला एक ये है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहले भी ये यूज हुई थी, पी ए अपॉन सी प्लस पी बी अपॉन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। ये फॉर्मूला है, फेवरेट फॉर्मूला है, इसको आपने याद कर लिया होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो इनटू के बराबर होता है। यहीं पे नंबर चार है, यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनका जो यूनियन होता है उनके प्लस के बराबर होता है, क्योंकि अपवर्जी घटना में प्लस लगता है और इंटरसेक्शन जो होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। यहीं पे है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ये हम तब करते हैं जबकि हमें दो या दो से अधिक थैले दे रखे हैं और हमसे कहा जाए कि इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालिए। तो लाल गेंद निकालने से पहले हमें थैला चुनना पड़ेगा, तब इस कंडीशन में हम क्या है, ये संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय निकालेंगे। यानी पहले थैला चुनेंगे फिर उसमें से लाल गेंद निकालेंगे, या के लिए प्लस लगाया, फिर दूसरा थैला चुनेंगे और उसमें से लाल गेंद निकालेंगे, या फिर ऐसे ही लास्ट में एनवा थैला चुनेंगे और उसमें से लाल गेंद निकालेंगे। क्योंकि घटना तो कोई सी एक ही घटेगी इसलिए ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी अपवर्जी घटना है। इसी को हम शॉर्टकट में ऐसे भी ले सकते हैं, आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन पी ई आई पी ई अपॉन ई आई। वेज प्रमेय, इस पर भी आधारित पूरी एक एक्सरसाइज थी, आपने की होगी। तो यहाँ पर देखिए, कोई सी एक घटना यहाँ पर निकालनी होती है, जो वेज प्रमेय होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ब्लोम होती है, यानी जो प्रतिबंधी प्रायिकता है उसके उल्टी होती है। जैसा कि मैंने आपको दिखा दें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये ए अपॉन बी है तो बेस प्रमेय में बी अपॉन ए निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ई वन अपॉन ई, यानी कि यहाँ पर कोई किसी एक घटना, इनमें से कोई सी एक घटना हमें निकालनी होगी, जो हमें ये घटनाएं दे रखी हैं इनमें से किसी एक को हमें निकालना होगा, इसका बस उल्टा हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए, पहला मैंने लिखा है ई वन अपॉन ई, तो पी ई वन पी ई अपॉन ई वन, तो यहाँ ई वन की जगह ई टू भी हो सकता है, ई थ्री भी हो सकता है, ई एन भी हो सकता है। और नीचे क्या आता है, ये पूरा ऊपर वाला उतार दिया जाता है, जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होती है ये वाली, ये पूरी जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहलाता है बेस प्रमेय का। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, सेविन द्विपद बंटन, द्विपद बंटन जो होता है वो इस रूप में होता है, बी एन पी, एन होता है ट्रायल्स, यानी कितने बार, जैसे मान लीजिए जब हम किसी सिक्कों को कई बार उछालें और उसमें कहें कि हेड आने की प्रायिकता निकालिए, तो उस केस में जो है द्विपद बंटन, यानी इसका हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है पी एक्स एक्स एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, यानी सक्सेस की पावर एक्स और अनसक्सेस की पावर एन माइनस एक्स। इसी को हम दूसरे रूप में द्विपद प्रमेय में हमने इस रूप में ये फॉर्मूला याद किया था, तो आप चाहे इस रूप में याद कर सकते हो चाहे इस तरह से लगा सकते हो। आठवां है, अगर हमें एक्स की ये कराते हैं यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल, अगर ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन है और इनकी प्रायिकताएँ पी वन पी टू पी थ्री पी एन है, तो एक्स का माध्य
को हम म्यू भी कह देते हैं या एक्स बार कह देते हैं या ई एक्स, तीनों में से किसी भी से भी डिनोट कर सकते हैं। वो कैसे निकलता है, हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वन की पी वन से, एक्स टू की पी टू से, तो ये निकल जाता है माध्य। अगर हम इस एक्स वन के स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करें तो वो कहलाता है ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स के प्रेषण या वेरियंस ऑफ एक्स को हम बोलते हैं सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और ये क्या होता है, इस वाले में से इसका स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरियंस। और वेरियंस का हम वर्गमूल निकाल लें तो वो कहलाता है एक्स का मानक विचलन। क्या कहलाता है, एक्स का मानक विचलन, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें। तो चलिए देखते हैं, अब हम सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ए और बी, ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू जीरो। कैसी घटनाएं ये, पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी अपॉन ए ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या निकालना, पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। जरा ध्यान देंगे, जब ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा होंगे और ए के अंदर कम होंगे, तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा, पी बी अपोन ए, तो पी बी अपोन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन पी ए। अब चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गई पी ए, पी ए से देखिए पी ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया वन, तो पहले का आंसर कितना हो गया वन। यहीं पे सेकंड पार्ट दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी कितनी होगी, जीरो होगी। हमने देखिए फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, पी बी अपॉन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, अब इसकी जगह हमने जीरो रख दिया, जीरो से को जब डिवाइड करेंगे तो जीरो आ गया। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का सेकेंड पार्ट आपके स्क्रीन पे है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो हमें निकालना है वो क्या, दोनों लड़की होनी चाहिए। तो पहले भाई दो बच्चों के सैंपल स्पेस तो ये हो गए, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी हुआ था, ठीक है। टोटल केस तो ये हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, उसमें बड़ा लड़का हो सकता है छोटी लड़की हो सकती है, या बड़ी लड़की हो सकती है छोटा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती है, ठीक है ना। दोनों बच्चे लड़की होनी चाहिए, यानी कि जो हमें निकालना है वो दोनों लड़की होनी चाहिए। अब आगे क्या कहा, यह ज्ञात है, यह ज्ञात का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा बच्चा लड़की है, तो ये दिया रखा हमें ज्ञात है कि बड़ा बच्चा जो है, यानी कि पहला जो है गर्ल्स पैदा हुई है। वो दो केस हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ठीक है। अब इनमें कॉमन देख लीजिए दोनों में क्या है, जो कॉमन होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसका जो है, अब हमें क्या निकालना, बड़ा बच्चा लड़की है, तो यहाँ बड़ा बच्चा क्या है, लड़की है, तो पी ए अपॉन बी हमें निकालना, बड़ा बच्चा लड़की है, यानी कि ए हमें निकालना, बी हमें दे रखा, तो फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ पर देखिए पी ए अपॉन बी की वैल्यू हमने रख दी एक बटे चार, पी बी की वैल्यू रख दी एक बटे दो, पी ए इंटरसेक्शन बी कैसा हुआ एक बटे चार, देखिए अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, तो इंटरसेक्शन में देखिए कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और जो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, चार, तो अनुकूल प्रकार हो गए एक, कुल प्रकार हो गए चार, प्रायिकता हो गई एक बटे चार। इसी प्रकार से ये देखिए पी बी में कितने एलिमेंट है, पी बी में एलिमेंट है हमारे पास दो, तो अनुकूल प्रकार दो, कुल प्रकार चार, दो बटे चार, तो यहाँ देखिए चार से चार कट जाएगा एक बटे दो, इसका आंसर आ जाएगा। यहीं पे फर्स्ट पार्ट ये वाला है, फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी कि टोटल केस तो ये हाँ हो गए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, दोनों बच्चे कैसे हैं, लड़का है, यानी कि जो हमें निकालना वो दोनों बॉयज है, ठीक। और साथ में ये दे रखा है यह ज्ञात है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों में से कम क्या, एक बच्चा लड़का है, यानी कि बॉयज बॉयज हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या हुआ, बॉयज बॉयज दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन हमने ले लिया, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होती है, इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है ये देख लीजिए, इंटरसेक्शन में एलिमेंट है एक केवल, और टोटल कितने हैं चार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी एक बटे चार। और उस यहाँ पे पी बी में कितने एलिमेंट हैं, गिन लीजिए एक दो तीन, यानी कि तीन एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं चार, तो तीन बटे चार, तो देखिए चार से चार कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया एक बटे तीन। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन पर आ चुका है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुष और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं, ठीक है। एक सफ़ेद बालों वाले के व्यक्ति को यदृच्छ चुना जाता है, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या होगी। जरा ध्यान दें, अगर केवल इतनी बात पूछता
एक व्यक्ति को यदि सुना जाता है उसके सफेद बाल वाले होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होता संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। लेकिन ये कह दिया कि जो सफेद वाला व्यक्ति वाल वाला व्यक्ति है वो पुरुष है, तो इसका मतलब ये जो होगा वेज प्रमेय से होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो विलोम होता है, प्रतिबंधी प्रायिकता का जो विलोम होता है, उसे हम वेज थ्योरम से करते हैं। यह है माना मान लिया कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। अब देखिए, अगर एक्स पुरुष हैं और एक्स ही महिलाएं हैं, तो महिला चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक्स बटे टू एक्स। ऐसी पुरुष चुनने की प्रायिकता भी एक्स बटे टू एक्स। तो इवन हमने मान ली क्या, पुरुष चुनने की घटना, क्या मान ली, इवन हमने पुरुष चुनने की घटना, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी इवन इज इक्वल टू वन अपॉन टू। इसी तरह ई टू हमने मान लिया महिला चुनने की घटना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ई टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू। और ई हमने ले लिया है सफेद बाल वाले होने की घटना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कितना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो सफेद बाल होने की प्रायिकता जबकि वो पुरुष है तो कितना है 5%, हमें दे रखा 5%। सफेद बाल वाले होने की घटना जबकि वो महिला है वो कितना दे रखा हमें 0.25%, ठीक। अब देखिए, अब क्या कहा हमसे, इस व्यक्ति के, यानी कि हमसे कह दिया कि जो वो सफेद बाल वाला है वो व्यक्ति है, तो इस वाली पहले वाली व्यक्ति वाली पहले, तो पहले वाले की ग्लोब की बात कर रहा है कि जो सफेद वाला वाला है व्यक्ति है वो क्या है, पुरुष है। तो हमने जो पहली वाली घटना है ई अपॉन ई वन, इसके प्रतिलोम की बात कर रहा है, इसके इनवर्स की बात कर रहा है, इसलिए वेज थ्योरम हम लगाएंगे। तो वेज थ्योरम क्या है, जो कि पहले वाला है ये वाली बात हमसे पूछ रहा, तो इसका हम उल्टा कर देते हैं, ई वन को ऊपर और ई को नीचे। तो ई वन अपॉन ई बराबर क्या होगा, पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन, ठीक है, पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई अपॉन ई टू। यहीं पे इस क्वेश्चन में कहता कि वो सफेद बाल वाला महिला है तो हम क्या निकालते, ई टू अपॉन ई निकालते, ठीक है। तो जो वेज थ्योरम होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की विलोम होती है, तो ये वाली चीज हमें दे रखी थी और इसका विलोम हमसे पूछ लिया था। ये तो हमें दे दिया था कि जो सफेद वाला 25 इतने परसेंट पुरुष है, तब हमसे कह दिया कि हमें वो पुरुष बताना जिसके बाल सफेद है, तो ये इसकी विलोम हो गया, इसे हम वैल्यू रखेंगे अब इसमें, इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए इसका वैल्यू मैंने रख दी है सारी, आप यहाँ पर देखिए 1/200, 5/200 ले सकते हैं, 1/200 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 0.25, और देखिए ये पूरा जो है इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 5 और नीचे इसको प्लस करेंगे 5.25, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिए हमने, और देखिए यहाँ पे 25 से काट दिया, 25 दूनी 50 और 10, 25 से कम 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20/21 इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए मान लीजिए 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, 90% लोग क्या है दाहिने हाथ से काम करने वाले, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ से काम करने वाले कितने हो गए, 90% यानी 90/100 यानी 9/2, 1 में से 90/100 घटा देंगे यानी 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर कितने, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 लोगों में से, यानी बराबर कितना है 10 लोगों में से यथेच्छ चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग, अधिक से अधिक 6 लोग का मतलब कोई नहीं हो सकता, एक हो सकता, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, तो इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को करेंगे। दाहिने हाथ से काम करने वाले हो, तो अब देखिए ए क्या टोटल कितने होते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक, यानी कि उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये होंगे, हमसे ये पूछा, इतना पूछा। अब देखिए टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और हम टोटल में से ये वाले माइनस कर दें, कौन से वाले, ये वाले, अगर ये माइनस कर दें टोटल में से तब भी तो यही रहेगा, तो यानी कि ये क्या ले सकते हैं, 1 - x7 + x8 + x9 + x10, तो चाहे ये सोल्व कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक और चाहे इसको सोल्व कर लें, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, ठीक। तो अब हमने देखिए x7 कैसे निकाला, 10c7 सक्सेस की पावर 7 और जो फेलर है यानी कि अनसक्सेस की पावर 10-7 प्लस 10c8 9/8 की पावर 8 यानी सक्सेस की पावर 8 और 1/10 इन दोनों का डिफरेंस 10 और 8 का डिफरेंस, फिर 10c9 सक्सेस की पावर 9 और अनसक्सेस की पावर 10-9, फिर 10c10 सक्सेस की पावर 10, जो हमसे पूछा वही चीज़ यहाँ लिखते हैं पहले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए इसका आंसर मैंने ये लिख दिया, इसको हम आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1 तो ऐसे ही रहेगा
और यहाँ पर आर वेरिंग फ्रॉम 7 to 10, ठीक है, क्योंकि 7 से स्टार्ट है और 10 पे देखिए यहाँ पर खत्म है, ठीक, और कहाँ तक, 10 तक, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, 10 CR, यानी कि पहले देखिए क्या लिखा हमें, 10 CR, आर के स्थान पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे और फिर 8 रखेंगे, 9 रखेंगे और 10 रखेंगे, इसे 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ गया, 7 से हमने आर ले लिया और इसको 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1, और ये इनका डिफरेंस, 10 माइनस 7, 7 का मतलब आर, तो आर के स्थान पर देखिए हम 7 रखें तो पहला स्टेप मिल जाएगा ये वाला, जब हम 8 रखेंगे तो दूसरा स्टेप मिल जाएगा, 9 रखेंगे तो तीसरा स्टेप मिल जाएगा और 10 रखेंगे तो चौथा स्टेप मिल जाएगा, तो इन चारों को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, एक कलश पात्र में 25 गेंदे, देखिए ये पात्र है, इसके अंदर जो है 25 गेंदे हैं, 10 पर तो एक्स छपा हुआ है और जो 15 है उन पर बाई लिखा हुआ गेंदों पर, जिसमें से 10 गेंदे पर चिन्ह एक्स अंकित है और शेष 15 पर वाई अंकित है, कलश में से एक गेंद यदृच्छ निकाली जाती है, अब देखिए इसमें से एक गेंद निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट लिख करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये मत समझे कि ये लाइन फालतू में दी हुई है, ये लाइन जो है बड़ी ही काम की लाइन है, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो हम इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी लगता है जब घटना स्वतंत्र हो, अगर घटना स्वतंत्र नहीं है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं कर सकते, यानी गेंद को वापस रखना पड़ेगा अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, तो बस ये खास बात है यहाँ पर, यदि इस प्रकार की 6 गेंदें निकाली जाती हैं तो अग्रलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कितनी गेंदें निकाली हैं, 6, अब देखिए जिन पे एक्स लिखा है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 10/25 यानी कि 2/5, और जिन पे वाई लिखा है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 15/25 यानी 3/5, अब कितनी गेंदें निकाली हैं, 6, और कितने पे होना चाहिए एक्स लिखा हुआ, 6 की 6 पे होना चाहिए, अब हमसे जो पूछा है वो एक्स लिखी गेंद का पूछा, तो यहाँ पे जो पी लेंगे हम एक्स लेंगे, यानी एक्स वाली जो घटना है वो हम पहले लेंगे, ठीक है, तो पी क्या है, x=6 हमें निकालना, 6 में से 6 गेंदों पे एक्स होना चाहिए, और 6 गेंद व एक्स वाली गेंद की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 2/5 की पावर 6, और जिसमें एक्स नहीं है वो प्रायिकता कितनी है, 3/5, 6 माइनस 6, अब देखिए एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, ये फॉर्मूला है एन सी एन या एन सी 0 = होता है 1, तो ये फॉर्मूला कई बार यूज हो चुका है, और देखिए यहाँ पे 6 माइनस 6 जीरो हो गया, और जिसकी घात 0 होती है, डिग्री 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, 2/5 की पावर 6 ये आंसर हो गया। यहीं पर देखिए सेकेंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित होगा, जरा ध्यान देंगे, 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित होगा, तो 2 से अधिक, 2 से अधिक पर चिन्ह वाई अंकित नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, देखिए 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित होगा, यानी कि 2 से कम पर होगा, तो 2 से कम क्या हो, 2 से अधिक पर वाई चिन्ह नहीं होगा, यानी वाई जो चिन्ह होगा वो किस किस पर होगा, तो वाई चिन्ह जो होगा वो 0 पर होगा, 1 पर होगा, 2 पर होगा, ठीक है, 2 से अधिक पर नहीं होगा, तो अब नहीं होगा, या फिर यहाँ से हम आगे वाला केस ले लेते हैं, चलिए मैं ये ऊपर का क्वेश्चन ये रेज कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा था हमने कि 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित हो, यानी कि या तो 0 पर वाई अंकित होगा, यानी कि या तो एक ही गेंद पर वाई अंकित ना होगा, या 1 पर होगा या 2 पर होगा, तो देखिए जब हमें जो निकालना है 2 से अधिक पर चिन्हों पर वाई नहीं अंकित हो, यानी हमें निकालना बाई पे अंकित वाली गेंद, तो बाई पे अंकित वाली गेंद निकालेंगे तो पहले हम पी जो लेंगे यहाँ पे बाई पे अंकित वाली गेंद लेंगे, यानी पी को मानेंगे बाई वाला 3/5, और जो यहाँ पे सॉरी क्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्यू होगा, और जो क्यू लेंगे हम वो एक्स वाला अंकित लेंगे, हमने कहा था जैसे जो हमसे पूछा जाता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है, एन बराबर कितना 6, और बाई बराबर कितना 0, 1, 2, क्योंकि ये लिख रहा कि 2 से अधिक पर वाई नहीं होना चाहिए, यानी कि वाई किस पे होना चाहिए, 0 पे, या तो 1 पे भी ना हो, या 1 पे हो या 2 पे हो, 2 से ज़्यादा पे वाई नहीं होना चाहिए, तो जब 1 पे भी वाई नहीं है तो उसकी कंडीशन ये हो गई, 1 पे वाई है तो इसकी कंडीशन ये हो गई, या जब 2 पे वाई है तो कंडीशन ये हो गई, अब हमने ये यहाँ पर देखिए सोल्व कर दिया, यहाँ से मैं इसको आगे और सोल्व कर देता हूँ, सोल्व क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2/5 की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पहले बचेगा 2/5 की यानी 2 * 4/25 बचेगा, क्योंकि ऊपर बचेगा देखिए 2 का स्क्वायर 2 * 4/25, और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 2/5 बाहर चला गया, तो यहाँ पर 6 * 3 = 18, 18 * 2 = 36 और 5 * 5 = 25, 36/25 बचेगा,
इसी तरह से जो तीसरी वाली कंडीशन होगी क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 से तो कट जाएगा, 2 3 6, 3 5 15, 15 9 135, 135 बटा 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 की पावर 4 और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 और 5 15 का 5 और 13 3 16 1 17, 175/25। तो इसको 5 से और काट सकते हो, तो 5 से 25 से काटेंगे, 25 7 175, यानी कि 7 × 2/5 की घात 4, तो ये आ गया। देखिए अब यहीं पे देखिए हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो, कम से कम एक गेंद पर अंकित हो, यानी एक पे भी हो सकता है पहले, दूसरी गेंद पे भी हो सकता है, तीसरी पे भी हो सकता है, चौथी पे भी, पांचवी पे भी और छठी पे भी, या इसको हम दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 में से कौन सा माइनस कर दें, ये वाला y = 0 वाला माइनस कर दें, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही करना, बस 1 - y1 0, ये वाली कंडीशन घटाने के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 2/5 की पावर 6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका, तो 1 - 2/5 की पावर 6। तीसरा क्या, एक्स तथा वाई चिन्हों पर अंकित गेंदों की संख्या समान हो, यानी कि यहाँ पर या तो आप x = 1 2 3 ले लें या y = 1 2 3 ले लें, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो आप चूंकि हमने y में ले रखा है तो आप सीधे सीधे यही वाला कर देना, y वाला लेके y के स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पर जैसे लिखा हमने क्या 0 0 1 2 3, तो क्या लेना है यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर इसका आ जाएगा। चलिए मैं फिर भी इसको आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो, तो कम से कम एक गेंद का मतलब ये 2 पे भी हो सकता है, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये ले सकते हैं, 1 माइनस किसी पे भी वाई अंकित ना हो, तो वाई किसी पे भी वाई अंकित ना हो तो 6c0 और वाई वाली अंकित वाली हमने लिख ली यहाँ पे और एक्स वाली लिख ली यहाँ पे, ये आगे 1 - 2/5 की पावर 6। तीसरा कि एक्स और वाई वाली जो संख्याएं, एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो, यानी कि 6 में से या तो तीनों गेंदों पर एक्स हो या 6 में से तीनों गेंदों पर वाई हो। ठीक है, तो क्या एक्स चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या और कम, एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो, यानी कि 6 गेंदों में से 3 गेंदों पर एक्स हो और जो 3 गेंदें हैं उस पर वाई हो, तो 6 में से कितनी गेंदों पर एक्स है 3, या 6 में से 3 गेंदों पर वाई है, तो आप कोई सी से ले लीजिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। देखिए 6 गेंदें ली और मैंने 3 गेंदों पर क्या लिखा, वाई लिखा हुआ है, तो 6 वाई लिखी वाली गेंदों की प्रायिकता कितनी है, 3/5 की पावर 3, और एक्स लिखी वाली गेंदों की प्रायिकता 2/5 की पावर, इनका डिफरेंस कर लेंगे। इसको अगर हम ये वाला भी ले लेते हैं दोनों का आंसर एक ही आएगा, 6 63 का मतलब इसको खोलना हमें, देखिए 6 5 4, इसको लिखेंगे 3 2 1 और ये 3/5 की पावर 3 आ जाएगा और ये 2/5 की पावर 2/5 की पावर 3, तो 3 × 6 6 से 6 कट गया, 4 5 20 और 3 3 29 27, 5 5 25 125 और 2 × 4 × 8, 25 5 125, तो 5 से काट दिया, 5 6 20, 5 × 10, 5 5 25 और इनके ऊपर की गुणा करेंगे आएगा 864 और नीचे आएगा 3125, ऊपर की गुणा मैंने यहाँ पर कर दिए, ये 864 आ गया। तो इस प्रकार से ये, अब इसमें एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक्स चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य भी याद कीजिए, तो एक्स चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य भी याद कीजिए। अब इसका माध्य निकालने के लिए तो क्या करना, प्रोबेबिलिटी की हम इससे गुणा कर देंगे तो इसका माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्स चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो संख्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माध्य के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका माध्य निकल के आ जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन में लाइन गलत छपी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, एक्स चिन्हों से गेंदों की संख्या का माध्य, तो ये जो लाइन है वो गलत है, इसको आप हटा दीजिए, लेकिन माध्य निकालना चाहे तो 3 की हम जो है इसे जो प्रोबेबिलिटी अभी आई है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि माध्य जो निकालते हैं वो सभी का निकालते हैं, जितने भी वेरिएबल दिए होते हैं उन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी से, तब माध्य निकलता है, तो यहाँ पे केवल 3 से नहीं है, तो इसे आप एक तरह से इसको आप चाहो तो इसको केवल हटाई दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगिता को 10 बाधाएँ पार करनी, यानी कि 10 बाधा इस तरह से हैं और उनको पार करना उसे, ठीक है,
बाधाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं 10 बाधाएं, उनको पार करना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बाधा को पार कर लेगा, और उसके पार करने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 5/6। ठीक है, तो पार न करने की कितनी जाएगी? 1/6। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा? 2 से कम यानी कि या तो वो एक भी बाधा नहीं गिराएगा या एक को गिरा देगा। तो यहाँ पर देखिए, पी जो माना मैंने, बाधा न पार करने की प्रायिकता माना, क्योंकि हमसे जो पूछा है बाधा न पार करने की प्रायिकता पूछी है, क्योंकि वो 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, यानी इन 10 में से या तो वो एक भी नहीं गिरा देगा या कोई सी एक बाधा को क्या करेगा? गिरा देगा। ठीक है, या तो एक भी नहीं गिराएगा या एक गिरा देगा। तो 2 से कम बाधा को पार करने का मतलब क्या है? या तो वो एक भी नहीं गिराएगा या एक गिरा देगा, एक भी नहीं गिराएगा या एक गिरा देगा। तो इसलिए मैंने पी क्या माना? बाधा न पार करने की प्रायिकता, और क्यू जो माना है वो बाधा को पार करने की प्रायिकता। ठीक है, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसे हम पी मानते हैं। तो हमसे पूछा गया है बाधा को न पार करना, तो न पार करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पार करने की 5/6 है, तो न पार करने की 1 - 5/6। तो देखिए, या तो वो एक भी बाधा पार नहीं कर पाएगा या एक वो सॉरी या तो वो एक बाधा को गिरा देगा या तो एक भी नहीं गिराएगा या एक गिराएगा। एक भी नहीं गिराएगा तो 10C0, बाधा पार नहीं करने की प्रायिकता 1/2, पार करने की 5/6। 10 में से हो सकता है एक को गिरा दे, और गिराने की प्रायिकता 1/6, और पार करने की प्रायिकता 5/6। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये 5/6 की पावर 10 10C1 1 हो गया, 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 9, 5/6 की पावर 9 हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ से देखिए क्या बचा, 5/6 बचा, यहाँ पर 10/6, ये हो गया 15/6। 3 से काटे, 3 2 6, 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए गुणा में घाते जुड़ जाती है, 5 की पावर 9 और 5 की पावर यहाँ पर 1 है, तो 5 की पावर 10 हो गया। यहाँ 6 की पावर 9 और 2, ये 2 × 6 की पावर 9, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पहले पढ़ेंगे। एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं होता, यानी जब तक 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं होता उसको उछालते रहते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरी बार 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त हो जाएगा, छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। अब देखिए, यानी कि ये तो पक्का है कि जब हम छठी बार उछालेंगे तो उसमें 6 आ जाएगा, यानी कि उससे पहले 5 बार उछालने पर जो है उसमें से 2 बार 6 आया होगा, क्योंकि यह एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि 6 का अंक 3 बार ना जाए। अब देखिए, वो छठी बार में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब पहली 5 उछालों में से 2 उछाल में 6 आया होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 का अंक आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है, और 6 का अंक न आने की प्रायिकता कितनी? 5/6, और पहली जो 5 उछाल है उसमें से 2 बार में वो 6 आ रहा, तो पासे की 5 5 बार उछालने पर 2 बार 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5C2 और 6 आने की प्रायिकता इंटू 6 न आने की प्रायिकता, तो 6 आने के जब 2 बार 6 आएगा तो इसका मतलब 3 बार 6 नहीं आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए 6वीं बार, तो 6ठी बार तो 6 आता ही आता है, तो इसमें देखिए स्वतंत्र घटना हो गई, 5 में से 2 बार में 6 आया और के लिए मल्टीप्लाई लग गया और 6ठी बार 6 आया, यानी कि जो एक उछाल बची है उसमें 6 आया, एक उछाल है, एक ही बार हमने 6 आ जाएगा, 1/6 की पावर 1, और 6 नहीं आने के लिए 0 हो गया। तो इसको हमने जो है सोल्व किया, सोल्व करने के बाद देखिए यह आंसर आ गया 625/23,328। तो अब देखिए, इसे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, पहले इसको अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक लीप वर्ष यदृच्छ चुना गया है, क्या यदि एक लीप वर्ष यदृच्छ चुना गया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे? तो क्या है, एक लीप वर्ष को यदृच्छ चुना गया है, तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं जिसमें से 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं। इन 2 दिनों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं इन 2 दिनों को? देखिए, हम लिख सकते हैं इसको संडे मंडे,
मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, क्योंकि थर्सडे और ट्यूसडे में टी आता है इसलिए मैंने यहाँ पर टी एच लिख दिया। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे और सैटरडे में एस आता है इसलिए मैंने यहाँ पे एस ए टी लिख दिया। फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यानी कुल मिला कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर एन एस तो हो गया 7 और हमें चाहिए मंगलवार। तो यहाँ पर देखिए जो मंगलवार है वो केस केवल 2 हैं, कौन से, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेनेसडे। तो हमें क्या निकलना, निकालना लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की, सॉरी 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, जो हम चाह रहे हैं वो 2 हैं, टोटल कितने 7 है, तो प्रायिकता होगी 2/7। आप चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक प्रयोग के सफल होने के संयोग उसके असफल होने के से 2 गुना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 बार सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात है कि असफल होने के जो संयोग है वो क्या है, सफल असफल होने के जो संयोग है वो असफल होने से डबल है। अगर असफल के जो संयोग है वो एक्स है तो सफल कितने हो जाएंगे, 2x। तो यहाँ पर देखिए सफल वाला हमसे पूछा है इसलिए सफल होने की प्रायिकता को हमने पी माना है, तो सफल बटे टोटल है यानी 2x/x+3 यानी 2/3। तो असफल की प्रायिकता कितनी होगी, 1 में से घटा देंगे, या एक्स बटे एक्स प्लस 2x यानी 1/3। तो यहाँ पर कितने बार उछाला गया है पासे को, एक सफल होने के, एक प्रयोग में सफल होने के प्रायिकता ये अगले 6 परीक्षणों में, अच्छा तो कितने बार, 6 परीक्षण हैं और उसमें से कम 4 सफल हों, कम से कम 4 सफल का मतलब 4 बार सफल हों या 5 बार हों या 6 हों। तो 4 बार सफल या 5 बार, या कहने देखिए बीच में प्लस लग गया, या 6 बार, तो 6 में से 4 बार सफल हो, सफल की प्रायिकता जब 4 बार सफलता मिलेगी तो 2 बार असफलता मिलेगी, तो असफलता की पावर 2। 6 में से 5 बार सफलता मिली तो सफलता की पावर 5, और तो जब 5 बार सफलता मिली तो 1 बार क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी, यानी असफलता की पावर 1। ऐसे 6 में से 6 बार सफलता मिली तो सफलता की पावर 6 और असफलता की पावर 0। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको लिख सकते हैं 62, 64 को लिख सकते हैं 62। प्रॉपर्टी हम कहले पहले भी कई बार बता चुके हैं, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, इसे लिखेंगे 2/3 की पावर 4 और ये 1/9। यहाँ पर 65 को लिखेंगे 61, 2/5 की पावर 5, 1/3, 66 की वैल्यू होगी 1, 2/3 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2/3 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, 62 को खोलेंगे, 6 × 5 = 2 × 1, 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, यानी कि ये हो गया 15। वो देखिए 9 सबका एलसीएम आ गया, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सोल्व करके हमने लिखा 31/9, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले, कम से कम एक चित प्राय आने एक चित की प्रायिकता जो 90% से अधिक है। तो एक व्यक्ति एक सिक्के को कितनी बार उछाले, यानी कि हमसे पूछा कि एन बराबर क्या है, तो यहाँ पर आपकी बार एन के स्थान पर हमने एन ही मान लिया, कितनी बार उछाले, कम से कम एक चित आने की, तो चित आने की प्रायिकता हम जानते हैं 1/2, और चित आने की प्रायिकता 1/2, यही 1/2, कम से कम एक बार चित आए, यानी कि एक बार चित आ जाए, 2 बार आ जाए, या 3 बार हो जाए, और जितने बार उछालेंगे या उतने बार हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम ये लिख सकते हैं, एक्स एक बार चित आ जाए, या के लिए प्लस लगा दिया, 2 बार चित आ जाए, या डॉट डॉट एन बार चित आ जाए। इसको दूसरे शब्दों में हम ये लिख सकते हैं, 1 में से वो केस घटा दो जब एक बार भी चित नहीं आता, वो कैसा, शून्य है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो केस होते हैं, मैं यहाँ पे एक बार फिर बता दूँ, तो जहाँ टोटल जो केस होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। अगर 1 में से हम ये 0 वाला केस माइनस कर दें तो कम से कम एक चित वाला केस निकल के आ जाएगा। तो एन सी, यहाँ पे एन सी 0, 1/2 की, यानी कि जो है सफलता की पावर 0 और जो असफलता उसकी पावर कितने एन है, इसे हमने सोल्व कर लिया, यानी 1 − 2 की पावर n इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 1 − 2 की पावर जो n है वो 90% से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन है 90%। इसको हम इधर ले गए, 90% को इधर ले आ गए, 90% को ले सकते हैं 90/100, इसका एलसीएम लिया मैंने, 100 − 90 यानी कि बचा 10/100। देखिए एक 0 से 0 यहाँ पे काट दिया, 10 × 1/10 1/2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर हम n के स्थान पर 1, 2, 3 रख कर देखेंगे, जब हमने 1 रखा तो 1/10 आया ग्रेटर देन 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर जब हमने 2 रखा तब भी जो है देखिए व्युत्क्रम उल्टा होता है, जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी दूसरा रिलेशन भी गलत हो गया। यहाँ पे n बराबर 3 रखा तो ये रिलेशन भी क्या हो गया, गलत आएगा। जैसे हमने n बराबर 4 रखा तो यहाँ जो रिलेशन है देखिए वो बिल्कुल ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है n बराबर 4 के लिए जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर हम 5 रखेंगे 6 रखेंगे तो सभी के लिए क्या आएगा,
ये रिलेशन बिल्कुल सही आएगा, इसका मतलब एन की जो वैल्यू हो गई वो चार के बराबर या उससे बड़ी हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है, यानी कि जब वो किसी पासे को उछालता है और 6 आ जाता है तो उसे 1 रुपया इनाम में मिलता है, अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपया हार जाता है, अगर 6 के अलावा कुछ और अंक आता है तो वो 1 रुपया क्या हार जाता है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा लेकिन जब वह 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा, तो उसके द्वारा जीती गई राशि अथवा की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए अभी आपने देख लिया, पढ़ भी लिया, अब इसमें क्या है, देखिए जब इस तरह का गेम चलता है तो गेम दूसरी बार तभी जीतता है जब वो पहली बार हार चुका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, पहली बार 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, और कितने रुपए की राशि जीत जाएगा वो, 1 रुपए की राशि जीत जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार में 6 तब आएगा तब पहली बार वो हार चुका होगा, तो पहली बार हारने की प्रायिकता 1/6 और जीतने की प्रायिकता 1/6, यानी कुल प्रायिकता कितनी हो गई, 5/6। राशि कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपया जीता पहली बार में, दूसरी बार में 1 रुपया हार गया, यानी कि 0 रुपये उसने जीते। तीसरी बार में 6 आने की प्रायिकता, यानी कि पहली बार भी हार चुका होगा, दूसरी बार भी हार चुका होगा, तब वो तीसरी बार जीतेगा, तो इसकी प्रायिकता हो गई 25/216, जबकि वो जीती गई राशि, यानी कि 1 रुपया पहले उसने जीता तो दूसरी बार भी हार गया, तीसरी बार भी हार गया, यानी कि -1 रुपये। अब आपको बता दें प्रत्याशा क्या होती है, तो जीती गई राशि और प्रायिकता के गुणनफल को हम प्रत्याशा कहते हैं, जीती गई राशि और प्रत्याशा के गुणनफल को हम प्रत्याशा कहते हैं। तो प्रत्याशा कितनी होगी, 1/6 × ये, यानी कि ये दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 25/6 × 0 और 25/216 × -1, तो इसको हमने सोल्व करा, यानी कि जो प्रत्याशा है वो कितनी है, 11/216। तो यहाँ कहा गया था जीती या हारी गई राशि, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब जीतने की जो प्रत्याशा है वो हारी नहीं, जीती गई प्रत्याशा कितनी है, 11/216, अर्थात जीती गई राशि की प्रत्याशा बराबर 11/216। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मान लीजिए हमारे पास ABCD बक्से हैं, यानी कि 4 बक्से हैं, ठीक है। तो 4 बक्से हैं, तो हमने क्या मान लिया कि बक्से चुनने की जो घटना है वो क्रमशः E1, E2, E3 और E4, ठीक। आगे क्या लिखा, जिसमें से संग्रखी संगमरमर की लाल सफ़ेद और काली टुकड़े रंग का विवरण निम्न तरीके से है, यानी उसमें जो है लाल सफ़ेद और काले रंग के संगमरमर के टुकड़े रखे हुए हैं, ठीक है, निम्न तरीके से, यदच्छा एक बक्सा चुना जाता है। तो देखिए अगर 4 बक्से हैं तो उनके चुनने की घटना हमने E1, E2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रत्येक बक्से के जो चुनने की प्रायिकता हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 4 बक्से हैं, 4 बक्से में से किसी एक बक्सा चुनने की प्रायिकता 1/4। अब आगे क्या लिखा, लाल सफ़ेद टुकड़े में विभिन्न तरीके हैं, यदच्छा एक बक्सा चुना जाता है तो इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है, यदि टुकड़ा लाल रंग का है, ठीक, क्या है टुकड़ा, लाल रंग का, तो हमने क्या मान लिया, लाल रंग का जो टुकड़ा चुनने की जो घटना है उसे क्या मान लिया हमने, ई मान लिया। तो अब देखिए लाल रंग का टुकड़ा चुनने की घटना, जबकि वो बक्सा पहला है, कितनी हो जाएगी, लाल है, देखिए 1, टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए बैठ रहे हैं 10, तो 1/10। इसी तरह से बक्से बी से लाल रंग का टुकड़ा चुनने की घटना, जबकि बक्सा बी है, तो दूसरा जो बक्सा है, देखिए यहाँ पर बक्सा बी, बक्से बी में जो लाल है वो कितने हैं, 6, और टोटल कितने, 10, तो 6/10, और लाल रंग का टुकड़ा चुनने की प्रायिकता, जबकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि बक्सा तीसरा है, तो तीसरे में लाल रंग के कितने हैं, देखिए 8, और ये टोटल कितने, 10, तो 8/10। इसी प्रकार से जो चौथा बक्सा है उस पर लाल रंग की कोई गेंद नहीं है, इसलिए 0/10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो लाल रंग का टुकड़ा वो कहाँ से, बक्से ए से निकला, तो बक्सा ए ये वाला कौन सी घटना थी ये, तो वेज प्रमेय क्या होती है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इसका ब्लॉम होती है, यानी इसका उल्टा हमें निकालना, E1/E2। तो वेज प्रमेय से हमें क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाया हमने, PE1 जो यहाँ लिखते हैं वही इस यहाँ पर लिखते हैं, PE/E1, और नीचे टोटल घटना लिख देते हैं, PE1 × PE/E1, PE2 × PE/E2, PE3 × PE/E3 प्लस PE4 × PE/4। अब देखिए इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, और अगले पेज में हम जाते हैं तो फिर ये वैल्यू हमें रखने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ सारी वैल्यू लिख चुकी हैं, केवल वैल्यू रखनी है और इसका आंसर हम निकाल देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं क्या, PE2/E3 के लिए बस यहाँ पे E2 हो जाएगा, बाकी नीचे सेम वही रहेगा। इसी तरह निकालेंगे पी
ई अपोन ई थ्री, तो पी ई अपोन ई थ्री के लिए बस ऊपर वाला चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ई थ्री इंटू पी अपोन ई थ्री, बाकी नीचे बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा। तो मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी बी और सी वाले बक्से से आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पी वन की वैल्यू हमने 1/4 और पी ई अपोन ई थ्री 1/10, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू हमने पुट यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ से हमने देखिए 1/4 यानी 1/40 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पहले में 1 बचा, दूसरे में 6 बचा, तीसरे में 8 और चौथे में 0। तो यहाँ 1/40 से 1/40 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/15 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं पी ई टू अपोन ई, या आंसर आएगा 2/5, मैंने आंसर लिख दिया जिसे आप चेक कर लो। इसी प्रकार निकाल सकते हैं ई थ्री अपोन ई, इसका आंसर आएगा 8/15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने के सहयोग 40% है, ठीक है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योगा विधि द्वारा दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है, यानी कि अगर आप ध्यान और योगा करते हैं तो दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा है वो 30% कम कर देता है, यानी कि ध्यान और योगा करने के बाद भी 70% चांस जो है वो दिल का दौरा पड़ने के है। दवा द्वारा खतरे को 25% कम कर दिया जाता है, यानी कि दिल का दौरा पड़ने को 25% कम कर दिया जाता है, यानी कि दवा खाते रहो आप तब भी 75% चांस हैं दिल का दौरा पड़ने के। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। देखिए हमारे पास दो चयन है, एक तो ये आता है कि वो योग करे, या योग और मेडिटेशन करें, या वो मेडिटेशन ले मेडिसिन ले, ठीक है। तो दो चांस है, तो दोनों के चांसों के चयन करने के जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और 1/2, क्योंकि दो ऑप्शन है, दो में से किसी एक का चयन करने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। इवन जो हमने घटना मान ली ध्यान भाई योगा करने की है, और ई टू जो घटना है वो दिल का दौरा, ई टू जो है दवा लेने की घटना है, और ई जो है वो दिल का दौरा पड़ने की घटना है। तो दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करने की जो प्रायिकता है वो 1/2, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास, दो में से देखिए यहाँ लिखा भी है, उपयुक्त में से किसी एक का चुनाव करने वाले, उपयुक्त में से किसी एक का चुनाव, यानी कि हमारे पास दो हैं, दो में से किसी एक का चुनाव है, एक का चुनाव हमें करना है, तो दोनों में से किसी एक का चयन करने की जो प्रायिकता है 1/2 और 1/2। अब यहाँ पे क्या कह रहा कि उसके दिल का दौरा पड़ने की प्रायिकता जबकि वो मेडिटेशन और योग करता है, तो कितने हैं, देखिए 30% कम कर रहा है, तो इसका मतलब 70% जो हो गए उसके पड़ने के, यानी 100 में से 30% कम कर दिया, यानी 70% चांस है उसका दिल का दौरा पड़ने के, कब, जब वो योग और मेडिटेशन करता है। इसी प्रकार से जब वो दवाई लेता है तो उसको दिल का दौरा पड़ने के जो चांस हैं वो 25% कम कर रहा है, इसका मतलब 75% जो चांस हैं उसे दिल का दौरा पड़ने के, यानी 3/4। अब ये क्या कह रहा है हमसे, देखिए यदि से चुने गए रोगी ने दिल का दौरा होने ग्रसित हो जाता है, रोगी द्वारा ध्यान व योग विधि द्वारा उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दिल का दौरा, यानी उस व्यक्ति के दिल के दौरा पड़ने की क्या प्रायिकता होगी अगर वो ध्यान व योग विधि का उपयोग करता है। देखिए तो ये वाली जो घटना है इसकी विलोम की बात कर रहा है वो, जबकि हमें दे रखा है कि दिल का दौरा पड़ने की प्रायिकता जबकि वो योगा और मेडिटेशन करता है, तो इसका विलोम हमसे पूछा है कि अगर वो योगा मेडिटेशन कर रहा है तो उसके लोक से ग्रसित होने की क्या प्रायिकता होगी। तो जो बेस फिर में है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का विलोम होती है, तो ये चीज़ हमसे पूछी है। इसी क्वेश्चन में हमसे ये कह सकता था कि उसके दिल का दौरे से ग्रसित होने की क्या प्रायिकता होगी अगर वो जो है क्या है मेडिटेशन लेता, तो यहाँ ई टू अपोन ई निकाल देते। हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, देखिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है, और यहाँ पर ये 7/20 हो गया, ये 40 इसका एलसीएम आ गया, 7 × 2 = 14 और 3 × 5 = 15, 40 × 20 से देखिए दो बार काट देंगे हम इसको, तो या सबसे नीचे का ऊपर का पहले यहाँ ले लिए, 20 × 40, तो 7 × 14 = 29 इसका आंसर आ गया। यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन दूसरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझने वाला क्वेश्चन है बस ये, तो ये क्या क्वेश्चन है इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं। यदि 2 कोटि का एक सारणिक में सभी अवयव शून्य या एक हो, यानी कि एक 2 कोटि का, 2 कोटि का जो होता है वो इस टाइप का होगा, देखिए यानी कि 2/2 का, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट है या तो 0 है या 0 है, तो एक एलिमेंट को जो रखने के तरीके वो 2 फैक्टोरियल, दूसरे को भी 2 फैक्टोरियल, तीसरे को भी 2 फैक्टोरियल, तो 2/2 का जो होगा था उसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो प्रत्येक के 2 फैक्टोरियल तरीके हैं, तो इसका मतलब कुल मिला के हम इस टाइप के 16 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। इन डिटरमिनेंट में से क्या निकालना हमें, धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कुल तो हो गए 16, यानी कि NS = 16।
अब इसमें से वो डिटरमिनेंट हमें चूज करने हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है। जब हम देखिए इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम प्रसार करेंगे वन क्या आएगा, इसका प्रसार वन माइनस जीरो यानी वन, ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह हम इसका प्रसार कर रहे हैं तो वन माइनस जीरो ये भी पॉजिटिव आ रहा, और तीसरे का प्रसार करेंगे देखिए वन माइनस जीरो ये भी पॉजिटिव आ रहा। इसके अलावा कोई और लेंगे तो वो निश्चित रूप से या तो निगेटिव आएगा या जीरो आएगा। आप यहाँ 16 के 16 लिख के देख सकते हैं, लेकिन ये वाले यानी कि जो इसका डायगोनल है वो वन वन लेके और साथ में दोनों दूसरे वाले जो उनमें से दोनों जीरो या किसी एक को जीरो लेकर जो एलिमेंट बनना है वो तीन ऐसे बनने हैं जिसमें प्रसार करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसके अलावा हम जो और वैल्यू निकालेंगे सब में निगेटिव आएगी। हमें चाहिए पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे तीन है। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि जो हम चाह रहे हैं पॉजिटिव वाले वो तीन है, टोटल कितने हैं 16 है, तो प्रायिकता हो गई 3/16। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें हिंट्स भी दे रखा, मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जाने की प्रायिकता, प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। तो जब एक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है तो इस तरह जो 16 होंगे तो उन सबकी जो होगी कितनी हो जाएगी, 1/2 की घात 4, क्योंकि 4 इसमें एलिमेंट है और 3 हमारे पक्ष में, तो 3 × 1/2 की पावर 4 इसे हम कर लेंगे, या आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल सही है। अब यहीं पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में दो सहायक निकाय ए और बी है, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएँ ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है, ए के अकेले असफल होने की, यानी ए अकेला असफल होता है तो इसकी प्रायिकता हमें दे रखी, यानी असफल होने का मतलब होता है सफल होने की प्रायिकता अगर ए है तो असफल होने की हो जाएगी पी ए बार यानी कि 0.2। अब यहाँ पे क्या, बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, तो बी के अकेले असफल होने का मतलब ये है कि बी के असफल होने में से जो इसके साथ हो रहा दूसरा वाला, यानी ए के साथ जो असफल हो रहा उसको हम घटा दें, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर हम माइनस कर दें किसमें से, बी डैश में, तो बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता यानी कि ये चीज़ हमें दे रखी है 0.5। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमें दे रखी 0.15, तो यहाँ से हमें ये निकालना बी के असफल होने की, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। अब इंटरसेक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे ए और बी के असफल होने की जो प्रायिकता दे रखी 0.15, ये हमने इसमें प्लस कर दी, तो यानी कि हमें जो मालूम हो गया, ये मालूम हो गया कि जो है बी के असफल होने की प्रायिकता कितनी है, तो बी के असफल होने की जो प्रायिकता आ गई वो हो गई हमारे पास 0.3। बी के असफल होने की प्रायिकता पूछी क्या हमसे, पूछा ये है कि ए असफल यानी कि ए बार अपॉन बी असफल यानी कि बी बार, तो इसका फॉर्मूला होता है ये हमने फॉर्मूला देखिए लगा दिया यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये इंटरसेक्शन बी हमें पहले दे रखा 15, ये हमने अभी निकाला है 30, इसको भाग दिया 1/2, इसका आंसर आ गया। यहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन है हमसे ये भी साथ में, हमसे ये भी पूछा है कि ए के अकेले असफल होने की, तो ए के अकेले जैसे मान ली बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता क्या थी, बी बार पी बी बार माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरह ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बार माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी के अकेले असफल होना और जो दोनों में कॉमन है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पी ए जो है कितना है हमने 0.2, और ये इंटरसेक्शन बी है हमने अभी ये दिया हुआ हमारे पास, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि 0.05 इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को भी आपको समझाते हैं।
चलिए, मैं इसकी लैंग्वेज को कुछ इंग्लिश वाली बुक से चेक कर रहा था, तो लैंग्वेज ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि इसमें लैंग्वेज कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये ठीक है। तो इसमें क्या निकाली गई, गेंद के लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या मान ली, ईवन जो मान लिया है हमने, पहली गेंद के लाल होने की, पहली थैले से लाल गेंद स्थानांतरित करने की घटना है। तो पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 3/7। E2 हमने क्या मान लिया, पहले थैले से काली गेंद स्थानांतरित करने की घटना है, ठीक है। तो पहले थैले से काली गेंद स्थानांतरित करने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 4/7। और E हमने क्या मान लिया, दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की घटना। तो दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि स्थानांतरित की गई गेंद क्या है, लाल है, तो लाल की गेंद बढ़ जाएगी, यानी 4 गेंदें वो हो जाएंगी 5, तो टोटल हो जाएगी 10, यानी 5/10। और दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि स्थानांतरित की गई गेंद कैसी है, काली है। जब काली होगी तो यहाँ पर काली की गेंद संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 6, लेकिन लाल उतनी रहेंगी, तो ये हो जाएगी 4/10। अब हमसे क्या पूछा, देखिए ये इस वाली घटना का विलोम पूछा, यानी निकाली गई गेंद का लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद के काली होने की, तो काली वाली कौन सी है, ये सेकेंड वाली, देखिए ठीक है। तो इस वाली की हमसे जो है, इसका विलोम हमसे पूछा है, ये वाली है, इसका ब्लॉम हमसे पूछा है। तो इसका ब्लॉम के लिए हमने बेस प्रिमे लगा दी, यानी E2 अपॉन E1 निकालना है। फॉर्मूला लगाया हमने, PE2 PE अपॉन E2 PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस के PE2 PE अपॉन E2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे सोल्व करने के बाद देखिए 16/31 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इससे आगे के जो क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और उन क्वेश्चनों को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ समझने का प्रयास करें। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पी वी अपॉन ए, वी अपॉन ए का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, वी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब देखिए यहाँ पर आंसर 1 आए रखा, तो 1 तभी आ सकता है जब इसकी जो वैल्यू हो वो ए हो, और ये वैल्यू तभी होगी जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा, तो इसका मतलब ए जो होगा कम होगा और बी जो होगा ज़्यादा होगा, यानी कि पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो यहाँ पे पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो ए हो गया। यहीं पे हम 18वें क्वेश्चन की बात करें, पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर दैन पी बी, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए करने के लिए, पी बी ए अपॉन बी निम्न में से कौन सा सही है। तो अब यहाँ पर देखिए, पी ए अपॉन बी का हमने ये फॉर्मूला लगाया इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया। कैसे इंटरचेंज कर दिया, इसको उठा के यहाँ ले गया, इसको उठा के यहाँ ले गया, तो ये फॉर्मूला बन गया पी ए बी अपॉन ए का। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ पी बी अपॉन ए पी बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया सी। यहीं पर तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, और का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पी ए दे रखा, तो इसका मतलब इतनी जो वैल्यू है वो 0 है। जैसे हम इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, इसको उठा के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और पी बी को बटे में पहुँचाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला हो गया पी ए अपोन बी का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन पी ए अपोन बी इसका जो है राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्वेश्चन के क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया है, और यहाँ पर हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है सभी एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज इसमें आ रहे थे कि इसके एग्जाम्पल भी कराए जाएँ, तो मैं प्रथम चरण में तो पहले सभी एक्सरसाइज इसकी करा रहा हूँ एनसीईआरटी की, उसके बाद जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम एग्जाम्पल भी इसके आपको कराएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।